नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, कैसे आप अपना एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाएंगे, कैसे उसका पीछे का बैकग्राउंड आपको चेंज करना है, वाइट बैकग्राउंड लगाना है, नाम लिखना है, आज हम इसी वीडियो में आपको ये सारी बातें बताएंगे। तो दोस्तों, आप लोग अगर हमारे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह से इस पर वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कैसे आपको बैकग्राउंड चेंज करना है, नाम कैसे लिखना है, पासपोर्ट साइज, ये सारी चीज़ें आज हम बताते हैं आपको। चलिए इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलते हैं। सबसे पहले आपको अपना फोटोशॉप ओपन कर लेना है। तो चलिए हम फोटोशॉप ओपन कर ले रहे हैं। ये हमारा फोटोशॉप ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम मिनिमाइज कर देंगे। हमको ये फ़ोटो, इस फोटो का बैकग्राउंड चेंज करना है, इसकी साइज़ वगैरह सारा चेंज करना है। तो हम इसे अपने माउस पॉइंटर का लेफ्ट बटन दबाए रखेंगे या नीचे प्रेस करके लाएंगे और इस जो फोटोशॉप का सिंबल है इस पे ला के यहाँ पर छोड़ देंगे, यहाँ पर छोड़ देंगे तो यह फ़ोटो हमारा फोटोशॉप में आ गया। अब इसे हम बड़ा कर लेते हैं। इसे और बड़ा करने के लिए माउस पॉइंटर को जो उसमें बटन दिया है घुमाने वाला, अंदर बाहर घुमाएंगे, बड़ा हो जाएगा। अब देखिए, इसका अगर बैकग्राउंड चेंज करना है तो सबसे पहले यहाँ पे मैजिक दिख रहा होगा। देखिए, हम इस पे पॉइंटर ले जाते हैं। देखिए, मैजिक वांड टूल W, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बैकग्राउंड जो ग्रीन स्क्रीन है इस पे क्लिक कर देना है। अगर आपका ग्रीन स्क्रीन नहीं है तभी आपको चिंता करने की बात नहीं, हम वो भी बताएंगे कि आपको कैसे बिना ग्रीन स्क्रीन के चेंज करना है अगर आपका ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड नहीं है। तो देखिए, अब यहाँ पे पूरी तरह से नहीं सेलेक्ट होगा तो आप शिफ्ट बटन दबाइएगा, उसके बाद इसे यहाँ पे दबा दीजिएगा कहीं भी। अब देखिए, ये पूरा मतलब बैकग्राउंड का जो हमारा फ़ोटो है वो सिलेक्ट हो चुका है इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, कीबोर्ड का डिलीट बटन दबाना। जैसे डिलीट बटन दबाएंगे आपका ये बैकग्राउंड चेंज हो गया, वाइट कलर आ गया। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको ये बैकग्राउंड भी चेंज करना है जो वाइट है, आप और कोई बैकग्राउंड रखना चाहते हैं तो सिंपल अब आपको क्या करना है, इसी पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको वाइट दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। मान लीजिए हम ये कलर रखना चाहते हैं, थोड़ा पिंक, तो उसके बाद इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम ओके कर देंगे। आप ओके करने के बाद आपको सिंपल सा क्या करना है, डिलीट बटन जैसे दबाएंगे आप, आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आपका बैकग्राउंड आपको चेंज करना है। अब आपको मतलब इसको क्रॉप करना है, मतलब इसका साइज मतलब छोटा करना है चाहे क्रॉप करना है, तो आप सिंपल ये क्रॉप का ऑप्शन है यहाँ पे, देखिए विथ आपको डालने के दे रहा है, हाइट डालने के दे रहा है, जो आपका अगर रेजुलेशन डालने को दे रहा है, आपसे जो हाइट और विथ मांगा होगा चाहे एग्जाम पेपर में चाहे किसी भी चीज़ में, आप वो चीज़ यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो सिंपल हम यही रहने दे रहे हैं, आपको क्रॉप करने को बता रहे हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जहाँ से क्रॉप करना है उस पर से क्लिक करना है और देखिए आपको जितना क्रॉप करना, मान लीजिए इतना हमको क्रॉप करना है, तो ये हो गया। उस यहाँ पे ला के माउस पॉइंटर वहाँ से यहाँ तक छोड़ दिए, उसके बाद हम इंटर कर देंगे, ये हमारा क्रॉप हो गया। इसके बाद देखिए, आपको मान लीजिए इस पर आपको नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है चाहे डेट ऑफ बर्थ लिखना है चाहे जो भी चीज़ लिखना है, सिंपल आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको एक टूल्स दिख रहा है जिसका नाम है रेक्टेंगल टूल। आपको सीधे क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, उसके बाद रेक्टेंगल टूल पे मतलब आपको क्लिक करना है अपने लेफ्ट माउस के लेफ्ट बटन से। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए कितनी दूरी में आपको नाम लिखना है। मान लीजिए हम इतनी दूरी पे नाम लिखना चाहते हैं, ठीक है, ये हम सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहीं पे आपको माउस पॉइंटर का राइट बटन क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ फिल पाथ है इस पर आपको क्लिक करना है, आपको कलर कौन सा लेना है। देखिए यहाँ पर लिखा है बैकग्राउंड कलर कि कौन सा आपको कलर लेना है, अब जो कलर लेना चाहते हैं पैटर्न कलर, देखिए यहाँ पे आप जैसे कलर लेना चाहते हैं वैसे आप ले सकते हैं। अब देखिए, चाहे वाइट लेना चाहते हैं तो वाइट ले लिए, वाइट सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद सिंपल आपका क्या करना है, ओके पे क्लिक कर देना। देखिए यहाँ तक का वाइट हो गया। अब आपको नाम लिखने के लिए यहाँ पे देखिए टेक्स्ट दिख रहा होगा, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल्स, इस पर आपको राइट क्लिक करना है। अगर हॉरिजॉन्टल लिखना है तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल लिखना है तो वर्टिकल, जैसे लिखना है वो, हम हॉरिजॉन्टल लिखना चाहते हैं इसलिए हम हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सिंपल हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी है नाम चाहे जो भी, देखिए हम नाम लिख रहे हैं,
देखिए अगर इसको आपको शिफ्ट करना है तो सिंपल सा यहाँ स्पेस देते जाइए सिम, ठीक है, जो भी चीज़ आपको जैसे करना है जितनी दूरी तक लिखना है, इस तरीके से आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। तो बस इसी तरीके से आपको अपना फ़ोटो बनाना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। और आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि अगर आपका बैकग्राउंड ग्रीन नहीं है तो आप, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे दूसरी वीडियो को, उस वीडियो को आप लोग वॉच कर लीजिएगा कैसे, मतलब अगर आपका ग्रीन स्क्रीन नहीं है तो कैसे आपको सेलेक्ट करके अपना बैकग्राउंड पीछे का चेंज करना है और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाना है। तो हम इस वीडियो में इतना ही बता रहे हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वो चीज़ सेलेक्ट करके बताएंगे तो, क्योंकि वही वीडियो 7-8 मिनट की हो जाएगी, इसलिए हम इस वीडियो में केवल यही बता रहे हैं। तो कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब के लिए बाय बाय।